नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे सेशन ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अप टू नाउ वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू। वी डिस्कस्ड अबाउट द मेजर क्रॉप्स, वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स फेवरेबल कंडीशन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मैंने कहा था इन माई प्रीवियस सेशन, आई टोल्ड इट टू यू दैट सम मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिमेन टू डिस्कस। कुछ है बाकी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप की जब पढ़ाई हो तो उसके बिना यह पढ़ाई अधूरी है। सो टूडे वी स्टार्ट डिस्कशिंग ओवर द पॉइंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में कृषि विकास और बहुत ही आसानी से यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, आप इस चीज को समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात जो मैं रिपीट करता हूँ, भारत क्या है? भारत पर अगर निबंध लिखते हैं तो प्रथम वाक्य क्या होता है, प्रथम दो वाक्य क्या हैं? पहला, भारत अनेकता में एकता का देश है, और दूसरा, भारत कृषि प्रधान देश है। सही, कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब कि और भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। भारत की आत्मा जो है वो कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। और इसी कारण इस बार, ठीक है, ईश्वर की असीम कृपा से हम लोग कोरोना के भीषणतम स्वरूप को देखने से बच गए, लेकिन सरकार के मन में जो सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि भारत गांवों का देश है और अगर यह बीमारी गांवों में फैल गई तो संभालना मुश्किल होगा। इट्स वेरी वेरी टफ टू कंट्रोल दिस पेंडेमिक कंडीशन। कारण क्या है? चूंकि अकॉर्डिंग टू द डाटा मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, गांवों में लोग रहते हैं। और अगर गांव में रहेंगे तो वो क्या करेंगे? इंडस्ट्री में काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स द पीपल और द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दोज आर लिविंग इन विलेजेस, दे आर लाइक मेनली, नॉट कंप्लीटली, आई कैन से मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वो कृषि पर आधारित काम करते हैं। इसके बावजूद जब सरकार बनी, आजादी मिली, सरकार का गठन हुआ 1960 के सेकेंड हाफ, मतलब 1965 का वह दौर था जब भारत को कृषि खाद्यान्न संकट से गुजरना पड़ा। एक्चुअली एट दैट मोमेंट इंडिया सफर्ड फ्रॉम द फूड क्राइसिस, और यही कारण है कि सरकार जो आज भी, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे पंचवर्षीय परियोजना प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हो, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा सरकार किस चीज़ पर ध्यान देती है? कृषि पर देती है। तो हम लोगों के पास समस्याएं थी कि भाई कैसे हम खाद्यान्न के संकट से बच सकें, लड़ सकें, जीत सकें। और इसी के लिए खाद्यान्न के संकट से बचने का उपाय क्या था? उपाय बेहद ही सरल था, वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट, हमें उत्पादन के दर को बढ़ाना था। और उसी के लिए सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें से एक है हरित क्रांति। हरित क्रांति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक्चुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। इन वन लाइन फैक्ट, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। एम एस स्वामीनाथन, द पर्सन बिहाइंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज एम एस स्वामीनाथन। दैट्स वाई एम एस स्वामीनाथन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में अगर हरित क्रांति के शुरुआत का श्रेय किन्हीं को जाता है तो वह कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। वह कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। अब सवाल आएगा कि सर ठीक है, शॉर्टेज को पूरा करना है, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को, एम एस स्वामीनाथन जो है उनको
फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया जाता है। तो क्या था, क्या योजनाएं थी, व्हाट वेयर द वेज विच वी हैव टू इंप्लीमेंट इन दैट मोमेंट। तो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट था उच्च श्रेणी का बीज। उच्च श्रेणी का बीज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे बेटर क्वालिटी ऑफ हाइब्रिड सीड्स। बेटर क्वालिटी ऑफ हाइब्रिड सीड्स मतलब अच्छा, एक एकदम क्वालिटी वाला सीड्स होना चाहिए जिससे धान हो, गेहूं हो। क्यों? चूंकि व्हेन वी विल यूज द हाइब्रिड क्वालिटी ऑफ सीड्स देन डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन रेशियो, पहला था। दूसरा पानी की व्यवस्था, वाटर इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, कि पानी पहुंचाया जाए, कृषि के क्षेत्रों में जल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। तीसरा मतलब दूसरा क्या हुआ, वाटर, वाटर फैसिलिटी। तीसरा क्या था, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खाद, कि खाद का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। क्यों? इफ वी विल इंकरेज देम टू यूज फर्टिलाइजर देन विथ द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर द प्रोडक्शन रेशियो विल इंक्रीज। दिस वन इज द पॉजिटिव साइड, दिस वन इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन रेट। बट द निगेटिव साइड वॉज, उसका खामियाजा अब देश भुगतता है। आप दादाजी के जो आयु के लोग होंगे उन लोगों को डायबिटीज रूपी बीमारी नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसे आंकड़े कहते हैं कि हम लोग फर्टिलाइजर्स के तरफ इतना दौड़ गए हैं, इतना दौड़ गए हैं कि एक सर्वे में आया था कि जो हम लोग दिन में खाना खाते हैं उस खाना से अप्रॉक्सीमेट ऑफ 2 ml ऑफ यूरिया हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और यही कारण है कि अब जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बूम बोलबाला हो रहा है। आप सुनते होंगे कि खाद वाला गोभी इतना 10 rupees, बिना खाद वाला गोभी इतना 20 rupees, मीन्स साइज विल बी हाफ एंड प्राइस विल बी डबल। अब लोग जो है खाद से परहेज करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह के लिए, और बाकी तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड द लैंड होल्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह के माध्यम से किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि उन्हें कृषि कार्यों में परेशानी नहीं हो। आज भी आप सुनते होंगे कृषि विकास ऋण, KCC, KCC का नाम, कृषि ऋण का नाम सुनते हैं ना, सरकार की योजनाएं आती हैं। वह योजनाएं उसी दौर से प्रारंभ हुई थी जिसका उद्देश्य था कि किसानों को फसल के उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सरकार के उपक्रम आपके साथ। और टू फाइंड आउट, टू रिसर्च, कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की बात की गई ताकि प्रयोग के माध्यम से हर प्रकार के बीजों के उन्नत स्वरूप को तैयार किया जा सके। अगला, फार्मर्स को यह जागरूक किया गया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स बिहाइंड द यूजेस ऑफ द मॉडर्न टेक्निक, कि भाई आप पुरानी परंपराओं को छोड़िए और नई तकनीक को अपनाइए, उससे क्या क्या लाभ है, इसको गांव गांव में किसानों को बताया गया। और इलेक्ट्रिसिटी एंड बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द फार्मर, इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन, अब पानी वगैरह चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और बेटर कम्युनिकेशन की भैया आपने अपने खेत में धान की उपज की, व्यापारी पहुंचेगा, व्यापारी उठाएगा, साहूकारों को जमाखोरों को बेचने की आवश्यकता नहीं है। सो दीज आर द मेजर डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ MS स्वामीनाथन, विच वॉज और विच इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉन अदर देन हरित क्रांति। फिर उसके बाद श्वेत क्रांति, अब याद रखना है
हरित क्रांति किस चीज से है? कृषि से। श्वेत क्रांति क्या चीज से है? दुग्ध उत्पादन, डेयरी से। इंडिया इज अमॉन्ग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड। दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय अ डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। और इस परियोजना का नाम व्हाइट रेवोल्यूशन में जो प्रोग्राम का नाम दिया गया था वो ऑपरेशन फ्लड था, जो कि 1970 में विच वॉज लॉन्च इन 1970 अंडर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन द मैन वॉज द मैन बिहाइंड द व्हाइट रिवोल्यूशन। जिस प्रकार से एम एस स्वामीनाथन वॉज द मैन बिहाइंड ग्रीन रिवोल्यूशन, सो इन एन एग्जाम इफ द क्वेश्चन यर विल आस्क टू यू दैट हु वॉज बिहाइंड द व्हाइट रिवोल्यूशन, देन यू कैन राइट वर्गीज कुरियन, द लीजेंड वॉज बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन। एंड ड्यू टू व्हाइट रिवोल्यूशन इंडिया करेंटली इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। एक्चुअली बाई द हेल्प ऑफ दिस मिशन दे गेव द अपॉर्चुनिटी टू द फार्मर कि भाई आप अच्छे किस्म के गायों को रखें, भैंसों को रखें, जिससे दुग्ध का उत्पादन बढ़े और दुग्ध से जुड़े हुए जो वस्तु हैं, दुग्ध पदार्थ हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी उत्पादन बढ़े। अब जब भारत में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की बात हो गई, तो अब हम अगली कक्षा में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन यूएसए पढ़ेंगे। अगली कक्षा में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन यूएसए पढ़ेंगे। थैंक यू।